लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से कोटा बूंदी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे खेल महोत्सव के अंतर्गत रविवार को सांगोद नगर की खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराव भीम सिंह स्टेडियम में हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा नेता हीरालाल नागर रहे। अध्यक्षता नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता रामावतार वर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि उप प्रधान ओम नागर अड़ूसा, भाजपा नेता महेंद्र शर्मा, पार्षद कृष्ण कुमार गर्ग, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष ममता गौतम, एससी मोर्चा विधानसभा संयोजक दीपक जेलिया रहे। भाजपा नेता नागर ने फीता काटकर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता प्रभारी चंद्रप्रकाश सोनी ने बताया कि सांगोद नगर में क्रिकेट की 12 टीमें, कबड्डी में 6 एवं रस्साकसी में 10 टीमें शामिल हुई है। समापन मैच में विजेता टीम एवं खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। उद्घाटन मैच केसीसी क्रिकेट क्लब एवं सांगोद क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। मंच संचालन ब्रजबिहारी गौर ने किया। शारीरिक शिक्षक दिलीप वैष्णव एवं अशरफ मिर्जा ने मैच का संचालन किया। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के खेल महोत्सव के ही इस क्रम में सांगोद नगर पालिका क्षेत्र के इस आयोजन के इस प्रारंभिक अवसर पर हमारे बीच में मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ क्रिकेट में भाग ले रहे टीमों के खिलाड़ी, इस आयोजन में सहयोग देने वाले दोनों हमारे पीटीआई बंधु, सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं, खेल का बड़ा महत्व है और इस महत्व को समझ करके ही हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने उनके लोकसभा क्षेत्र में ये प्रयास किया कि मेरे क्षेत्र के अंदर जो भी प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनको कोई निखारा नहीं गया, जो सामने आने से प्रतिभा रह गई और उन्होंने ये ग्राउंड लेवल पर इस तरह के खेल करवाकर इन प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है, इसके प्रति खेल के प्रति खिलाड़ियों में रुचि जागृत हो और यहाँ से खेल करके जब ये सांगोद नगर के अंदर जो भी टीमें खेल के सामने आएंगी उसके बाद पूरी विधानसभा का ही ये आयोजन होगा। विधानसभा में जो टीमें सफल होंगी तो फिर जिला लेवल पर आयोजन होगा और उसके बाद फिर पूरे लोकसभा क्षेत्र के टूर्नामेंट। इसमें जो सफल होंगी ऐसे कई खिलाड़ियों को चयनित किया जाएगा जिन खिलाड़ी के अच्छी टीम में कहीं कहीं वो अच्छा कर सकते हैं और जिनमें प्रतिभा है उनको कहीं अकेडमी में कहीं भी कोई ऐसी सुविधा की आवश्यकता होगी तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा उनको चाहे किसी भी क्षेत्र में खेल के लिए आवश्यकता होगी तो उनको हर सुविधा मुहैया करा करके उनको हम तराश करके और कैसे वो खिलाड़ी बेहतर से बेहतर बने, कैसे वो राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का चयन हो, कैसे उसका नेशनल लेवल पे चयन हो करके और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे क्षेत्र से बने ताकि इस क्षेत्र का नाम तो रोशन हो ही सही, इस क्षेत्र में खेलों के प्रति भी जागृति पैदा हो। आज आपने देखा होगा कई तरह के हमारे पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो सेना की भर्ती हो और सैनिक की भर्ती हो, जब तक वहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले हमारे बच्चे बच्चियां निरंतर नहीं जुड़ते हैं तो उनकी संपूर्ण उनमें वो रिटर्न में पास होने के बाद भी फिजिकल में वो रह जाते हैं, किसी का दौड़ में नहीं कम्पीट कर पाते। तो इसके लिए अगर खेल के प्रति रुचि जागृत होगी, अगर उनमें कंपटीशन की भावना आ गई तो ऐसे कई नौकरियों के चांस इसमें मिलते हैं और अच्छे आपने स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर अगर कहीं प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है तो उसका भी आपको ग्रेस मार्क मिलते हैं। तो हमें इसको खेल के माध्यम से अपना स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, हम स्वस्थ बन रहे हैं, उसके साथ साथ अच्छी नौकरी में भी उसको स्थान मिलता है, अच्छे खेल के दौड़ के आधार पर, अच्छी फिजिकल फिटनेस के आधार पर भी उसका सिलेक्शन होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये खिलाड़ी आगे जाकर के अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे नागरिक बने और खेल के माध्यम से एक अनुशासन की भावना आती है, वो अनुशासन के साथ राष्ट्रीयता की भावना रहती है, तो हमारा राष्ट्र प्रेम जागृत होता है, खेल के प्रति जो रुचि होती है उसमें एक संपूर्ण व्यक्तित्व उसका निकल के आता है। तो मैं इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत उनका उज्जवल भविष्य रहे इसकी अपेक्षा करता हूं और इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे अच्छे खिलाड़ी निकल करके आए ताकि वो प्रतिभा आगे जाकर के उनको सम्मानित कर सके। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।